हम पहुंच गए हमारे गो होटल। मौसम बहुत अच्छा हो रही है। हो होटल रही है? ये हाइलाइट्स चल रही हैं अभी, हो रही है। कबीर, हाँ, इनके बेटे का नाम कबीर है। आ, लग गई है। ध्यान से भाई, ध्यान से। I just saw कि उसके लेक पे एक फाउंटेन है, वो वहाँ पे सेब तोड़ रहे हैं। सेब तोड़ रहे हैं। लेडी सरप्राइज कितना ज़्यादा जल्दी हो जाती है किसी चीज़ से भी। चुड़ैल, this color is my favorite. Most exciting part about this room is कि इसका एक personal hammock है। मैं ये वाला इसको बोलते हैं। Hey guys, welcome back to our channel. Welcome back to our new reaction video. So, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप? तो आज की वीडियो में रिएक्ट करने वाला हूँ इकरा अज़ीज़ का फैमिली ट्रिप व्लॉग 25 है। इन्होंने फिर दोबारा से व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया है, तो इनके इस व्लॉग पे मैं करने वाला हूँ रिएक्शन। सो आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलना। सो टाइम को जाया नहीं करना, वीडियो काफी लंबी है, 12-13 मिनट की वीडियो है। सो लेट्स चेक इट आउट। वन थिंग हमेशा की तरफ से कहता है कि जो लोग नए चैनल में, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले। और जो लोग एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार, वीडियो को पूरा देखा करो, आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर कोऑपरेशन। लो जी, व्लॉग स्टार्ट होने वाला इकरा अज़ीज़, और ये बहुत ही क्यूट पर्सनैलिटी है विद फैमिली। ये उनकी मदर है। हम पहुंच गए हमारे होटल। ये हमारे कार्ड्स की डिलीवरी कर रहे हैं। द व्यू इज अमेजिंग। मौसम बहुत अच्छा हो रही है, हो रही है। थोड़ी सी फुहार पड़ रही थी। कराची की जो लैंग्वेज है ना, एक्सेंट ऐसा ही है। आई होप आप लोगों को यहाँ मजा आए। बहुत अच्छा लगा, इतना प्यारा व्यूज में तो मजा आएगा ही डेफिनेटली। कच्चे ये लगाना है क्या? ये वैसे जहाज में जो बना हुआ है, आई थिंक सो के इट्स अ होटल, या आई थिंक सो कोई वेटिंग एरिया होगा। पूल, ओए होए, सेब, पहाड़ी एरिया में ऐसा ही है। रूम काफी अच्छा है। विजिटिंग प्लेस पाकिस्तान में भी बहुत कमाल की है। इफ़ यू गेट अ चांस प्लीज कम हियर एंड वॉच आर कमाल की जगह। कभी कहाँ जा अच्छा, रहे सारा हो? वुड है। जा रहे हो? कभी इधर तो देखो। टाटा कर दो, टाटा। टाटा। कबीर की एज आई थिंक सो के 10-12 साल होगी। हाँ, आराम से नीचे देख के उतरो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। एक बात ना यार, बड़ी मुझे अच्छी लगती है। चलो भागो। कि शादी के बाद जो आदमी परमानेंटली फैमिली के होकर रह जाते हैं ना, वो अच्छे होते हैं, वरना तो लड़ाई झगड़े तो हमेशा ही होते हैं। शंग्रीला रिजॉर्ट्स, ओ काफी एक्सपेंसिव है जी। कहाँ जाना है? अरे है कहाँ, फिश है कहाँ? ये रही, खाना हमारा आ चुका है। वैसे मैं ड्रामे बहुत ही कम देखती हूं। Enjoying our food. 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 I'm enjoying your food. I am going to enjoy after I record this. Okay. Kabir. Ding 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 ding. क्या प्यारा व्यू। कबीर साहब सो गए हैं। जबरदस्त। मैंने चेंज कर लिया है ताकि रात के डिनर के लिए रेडी हो जाएं। शंग्रीला में दे हैव अरेंज्ड अ डिनर फॉर अस, और जो उनका एक रेस्टोरेंट है जो शाम में बंद हो जाता है, देर सेइंग कि वो अगर शाम के टाइम पे जब बंद हो गया हो तो वो हम लोगों के लिए खुलवा दें और वहाँ पे हमारा डिनर अरेंज हो। फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप कि हमारा डिनर रात में वहीं पर हो। अभी उन्होंने बास्केट भेजी आलू को। आलू का है। इट्स टी टाइम। आई इनका एक कैफ़े है, लाइक नॉट अ रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट बट अ कैफ़े कैफ़े। तो मैंने यार से बोला कि प्लीज़ लेट्स गो एंड चेक इट आउट कि वहाँ पर क्या है। मे बी वी कैन गेट सम स्नैक्स विद कॉफ़ी। चाय तो मैं पीती नहीं, कॉफ़ी भी नहीं पीती, बट स्टिल बहुत मोटे हो रहे हैं, हम कुछ ट्राई कर सकते हैं। सो लेट्स गो। फाइनली मैंने अपनी कमीज शलवार निकाली आज, पिंक कलर की। मैंने बोला आज मैं ये पिंक कलर की कमीज शलवार पहनूंगी फॉर द डिनर, और एक्चुअली रश वहाँ पर बढ़ गया है। यास ने कहा था वहाँ पर रश हो जाएगा,
सो हम एक काम करते हैं कि हम उनसे कॉल करके पूछ लेते हैं कि हमें क्या चाहिए. आई जस्ट सॉ कि उसमें उसके लेक में एक फाउंटेन है. क्या मतलब, इट्स सो सरप्राइजिंग थिंग्स. वो वहां पर वो एक फाउंटेन टाइप की चीज है. आई डोंट नो वो फिल्टर कर रही है इस लेक को या पता नहीं क्या कर रही है, बट देयर इज समथिंग. सेब तोड़ रहे हैं. सो सेब तोड़ रहे हैं. मुंह तो निकल थोड़ा सा ठंडा ठंडा मौसम शुरू हो गया. स्नैक्स जिनका जिक्र मैं कर रही थी मैंने मंगवा लिए हैं. एंड द व्यू इज अमेजिंग. मतलब वरना अदरवाइज ऐसा होता कि जिस एरिया में आप जाओ ना अक्सरी फूड्स तो मिलता ही नहीं. मतलब अगर दाल भी हो ना तो उसको बना तरस जाता है. जैसे कि मैंने बताया था, फिंगर्स क्रॉस्ड कि हमें ये जगह मिले फॉर डिनर. यस वी गॉट इट एंड रिजर्व फॉर प्राइवेट डिनर. रिजर्व अंग्रेजी सही करता है ये मुंडा तो सो गए. बिरयानी बोटी या बिरयानी बोटी. लो जी स्वीट्स. और ये कोई बुक है किसी ने रिकमेंड की है. उठने का टाइम हो गया है. और ये भाई सब सो रहे हैं. सो के खा के मोटे हो रहे हैं. हम कर रहे हैं पैकिंग. तो नेक्स्ट कहाँ जाने हैं. कबीर की आवाज़ें तो आपको आ ही रही होंगी. अब कबीर को तैयार करना है और फिर हम लोगों ने नाश्ता करना है और फिर हमने निकलना है शिगर के लिए. शिगर. और हम जा रहे हैं खोज. खोज शिगर. और ये पता नहीं किसकी खोज में है. अच्छा पूरी फैमिली में इतनी ज्यादा मतलब वो नहीं है. चलें नाश्ता करेंगे. मतलब बहुत लोग होते हैं ना कि बहुत ही ज्यादा रिवर्स नहीं जाना हमने. तो मतलब क्या कहेंगे इसको. मतलब ये लोग बहुत ज्यादा वो एजुकेटेड हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं. क्या है मंजुलू को चुड़े लग रही है. और भाई साहब अक्षय कुमार लग रहे हैं. चलो जी कबीर साहब खाना खा चुके हैं. यार व्यूज कितना प्यारा है. दोनों आंटियां अपनी मधोशी में गुम है. Whenever I get a chance, I will show you some more exciting things. हाय काश कि हम जा सकते हैं बट अभी नहीं. पूरा ऐसे ही लग रहा है जंगल ही. मतलब कोई मतलब और लोग नजर नहीं आ रहे. ये बात है मजेदार सी फुहार पड़ रही है और हमें हमारा लॉफ्ट या रूम व्हाटएवर यू वांट टू कॉल दिस हमें मिल चुका है. हम चेक इन कर चुके हैं. एंड द बेस्ट मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट अबाउट दिस रूम इज़ कि इसका एक पर्सनल हैमक है. इस रूम का एक पर्सनल हैमक है जो कि बिल्कुल दरिया पर है. एंड लेट मी शो यू. यहाँ पे दिन बच्चे को फुल कंट्रोल करना पड़ेगा. यानी अगर बाहर होते हैं या उठते हैं तो मतलब फुल टेक केयर करना पड़ेगा. और रूम को तो लॉक करना. कभी हैमक पे बैठी नहीं क्योंकि बच्चों की केयर करना बहुत मुश्किल होता है. और इट्स सो डिफिकल्ट विद बिलोंगिंग. यू कैन टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड. मैं एक ध्यान से आई थिंक सो कि बहुत मुश्किल. बीच में पूरा खुला दे दिया. रुक जाएं रुक जाएं रुक जाएं रुक जाएं. वेट आपने आना नहीं है. यहाँ पे जगह खुली हुई है. इसका पैर ना फंस जाए यार इसमें. देख रहा हूँ मैं ही ना फंस जाऊँ. मुझे डर लग रहा है. इतने बारीक से धागे हैं. ध्यान से बिस्मिल्लाह. बहुत मोटे बांधने चाहिए थे या फिर इसको जल्दी जाओ लोहे की तरह लोहे पे इसको बनाना चाहिए था. हाँ कोई तो वजह होगी. शायद ज़्यादा वजनी हो जाए इस वजह से इन्होंने मतलब ऐसे बनाया. बिरयानी ये क्या चीज़ है. स्पेशल ममतू. ये तो कबाब है.
रोल दाल थरमाश सो क्यूट क्या कर रहे हो जी ये ना मुझे नहीं नहीं ये आपको रिकॉर्ड करने को नहीं मिलेगा रिजॉर्ट में हम आ गए थे रूम में चेक इन भी कर लिया था लंच भी कर दिया अब क्या करने है बस मैंने आपको रूम का टूर नहीं कराया क्योंकि मैं बिजी थी इस लड़के के साथ आई एम नॉट सो श्योर कि डस्टबिन में क्या कर रहा है बट ही इज फैसिनेटेड तो द रूम लुक्स लाइक दिस इट्स अ ब्यूटीफुल रूम सामान मैंने फैला दिया है सेट भी कर लिया है ऑल द लगेज बैग्स रूम शॉर्ट है लेकिन प्यारा जरा इधर उधर हो गया है काफी एक्सपेंसिव होगा ना मैंने एक बहुत कूल चीज देखी ये मार्बल के ग्लासेस मतलब पानी पीने के लिए दीज वर सो कूल आई मीन मैंने तो फौरन आते ही एक ग्लास पानी पी लिया मैंने कहा जरा एक्सपीरियंस करना चाहिए मार्बल के ग्लासेस में खैर व्यू जो बाहर का है वो कुछ ऐसा सा है वो वाली जो जगह है वहां से नीचे सीढ़ियां जाती हैं और वहां पूरा एरिया ही काफी कमाल का लग रहा है काफी क्या मतलब बहुत कमाल का सो अमेजिंग ये इंडस रिवर है जो बह रहा है यहाँ पर और सबसे ज्यादा इस ट्रिप पे एंजॉय किया है मिस्टर कबीर हुसैन ने कबीर आपको बुबू कहाँ हुआ था कहाँ हुआ है और ये बुबू कैसे हुआ आपको छह सात साल का बेबी लगा कैसे बुबू हुआ आपको बाथरूम भी बड़ा प्यारा सा है टब दैट्स मी सारा सामान मैंने अपना सेट कर दिया है काफी एक्सपेंसिव इस की प्लेस काफी प्यारी बना देता है अगर लोग और ज्यादा जब आए तो एंजॉय करेंगे काफी खर्चा करते हैं होटल द्वारा ओप्स आई थिंक मैंने गलत कर दिया ओह अब सही है ठीक है कबीर देखो ओ क्या बात इसका मिरर आई थिंक सो कि मिरर बाहर से तो नजर नहीं आता था अंदर जो बैठा होगा लेकिन ये है कि अंदर वाला बंदा बाहर देख सकता होगा अच्छा चलो ओके नहाते जो ऐसा लग रहा है समंदर में नहा रहा है बच्चा कॉलिंग मम्मी ड्यूटी मुझे खींच के लेके जा रहा है सो ओके बाय बाय सो अमेजिंग सो ग्रेट फैंटास्टिक व्लॉग कमाल का है और इस बंदे की पर्सनैलिटी मुझे बहुत अच्छी लगी है दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग ऑफ इकरा अजीज़ का और पहले मैंने वैसे टी वी एक्ट्रेस के एक बंदे पे भी व्लॉग नहीं आई थिंक सो किया एक पे किया होगा आई थिंक सो लेकिन कमाल का है ज़बरदस्त है इनकी जो बोलने का एटीट्यूड्स है इनका जो रहने सहने का एटीट्यूड्स है कमाल का है बहुत ही सिंपल सा है और कबीर साहब तो बहुत ही ज़्यादा नॉटी हैं और जब कबीर साहब तंग करते व्लॉग एंड हो जाता है और जो इनके हस्बैंड हैं वो भी मतलब कैमरे में तो इतना ज़्यादा नहीं आ रहे लेकिन मे बी के क्यों नहीं आ रहे इसकी कोई वजह नहीं है पता नहीं क्यों नहीं आ रहे शायद हो सकता है वो व्लॉग बनाना ना चाह रहे हों लेकिन ओवरऑल व्लॉग बड़ा ही कमाल का अच्छी प्लेसेस पे जा रहे हैं व्लॉग दोबारा से इन्होंने स्टार्ट कर लिया इनका अचानक से व्लॉग आना बंद हो गया था तो कमाल है बहुत ज़्यादा इन्जॉय अच्छी सी चीज़ें मिली हैं देखने को कि यार के काश अगर आपको भी चांस मिले तो आप ज़रूर जाइए और हैमॉक पे तो ज़रूर बैठिएगा ठीक है लेकिन उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि यार इसको ज़बरदस्ती मतलब क्या रस्सियों से बांधा हुआ कमाल का व्लॉग है अच्छा व्लॉग है और काफ़ी ड्रेसिंग अच्छे अच्छे कलर्स की है उन्होंने बहुत ही सिंपल सिटी है इनमें और I just only say that both are looking so cute और क्यूट फैमिली है क्यूट कपल है और मेरी दुआ है कि इसी तरह हमेशा खुशी और मुस्कुराते रहें और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा की तरह चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जब प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और अपने दोस्तों को से लाजमी शेयर कीजिएगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा सो टेक केयर अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा की तरह मुझे सपोर्ट करते रहिएगा लॉट्स ऑफ लव बाय बाय Keeping me awake, shit. Pleasure turning into pain. Can't you see I'm hurting? I'm certain I've been on your brain. No question about it, that's a given. Love is what you make it. Mine has got no expiration.